नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पराली जलाने पर प्रशासन और किसानों के बीच में घमासान अब और तेज होता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को फतेहाबाद के गांव ढाणी चेतनपुर में पराली को आग लगाने की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से बनाई गई टीम नंबर 17 जब गांव में जांच के लिए पहुंची तो टीम को वहां के किसानों ने पकड़ लिया और अधिकारियों को बंधक बनाने की बात कहते हुए उनके सामने ही पराली जला डाली। किसान लगातार गुस्से में थे और उन्होंने कुछ वीडियो बना करके सीधे तौर पर प्रशासन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसान पराली को आग लगाएंगे और अधिकारियों की टीम को प्रशासन आकर के गांव से ले जाए। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फोर्स सिटी थाना SHO के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और किसानों के चंगुल से अधिकारियों को छुड़वाया। मामले की जानकारी देते हुए DSP धर्मवीर पुनिया ने बताया कि पुलिस टीम ने गांव ढाणी चेतनपुर में जाकर के अधिकारियों की एक टीम को छुड़वाया है और किसानों ने पराली जलाने को रोकने के लिए अधिकारियों की टीम के साथ दुर्व्यवहार भी किया। DSP ने बताया कि DC की ओर से अलग अलग टीमें पराली जलाने के मामलों को निगरानी रखने के लिए बनाई गई हैं और इसी के तहत यह टीम 17 नंबर आज गांव ढाणी चेतनपुर में पहुंची थी। यहां काफ़ी संख्या में ग्रामीणों और किसानों ने टीम के अधिकारियों को वहां रोक लिया, उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। DSP ने बताया कि अधिकारियों को किसानों के चंगुल से छुड़वा लिया गया है। अधिकारियों की शिकायत पर अज्ञात किसानों के खिलाफ व ग्रामीणों के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने के आरोप में कार्रवाई की जा रही है। उधर घटना के दौरान कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें स्पष्ट तौर पर किसान चेतावनी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर अधिकारी इस तरह के किसानों को परेशान करेंगे तो अधिकारियों को बंधक बना लिया जाएगा। पराली का समाधान और उसकी समस्या का समाधान जब तक नहीं होता पराली को आग लगाएंगे। पलपल फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। ये ढाणी चेतनपुर का मामला है जवाहर, जो टीम नंबर 17 है, जो DC साहब ने ग्राम स्तरीय जो निगरानी कमेटी बनाई गई है और फायर जो लोकेशन थी पराली जलाने से रोकने के लिए जो टीम बनाई वो वहाँ पहुँची थी गांव में चेतनपुर डाली। तो गांव के काफ़ी आदमी आ गए, उनके साथ मिसबिहेव किया और जो सरकारी ड्यूटी में बाधा डाली है। इस संबंध में वो टीम से एक कंप्लेन अभी भी प्राप्त हुई है और कंप्लेन के हिसाब से उनके खिलाफ जो गाँव के अननोन पर्सन है उन्हें अलग कार्रवाई की जा रही है। क्या 2 ADO थे, बाकी जो 17 नंबर टीम है मिसबिहेव जरूर रहा उनके साथ और ड्यूटी में बाधा डाली गई है। तुरंत SHO सिटी को भेज दिया गया था और वो सक्सेसफुल वापस आ गए थे। क्या जी उन्होंने कोई एप्लीकेशन वगैरह वगैरह दी थी? हाँ, अभी एप्लीकेशन उनकी प्राप्त हुई है और इसके आधार पर जो है कानून की जो उचित धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पर नाम दर्ज है? अननोन पर्सन है, इसमें काफ़ी गाँव के बुलाने के हैं और वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाँ देखो जी, पिंड चेतनपुर ढाणी जिला फतेहाबाद, आ जी अग लगी आ, इस कल की अग दस रहे ने। पहले देखो कल की अग आ, ये महकमे वाले बंदे ने, हुण तुसीं आप सियाणे इन्हां दा की कीता जावे। इन्हां ने तंग कीता आ, कोई साडे कोल इलाज नहीं हैगा। हुण जिहड़ा भी इत्थे DC साहब सुन रहे, कोई भी सुन रहे, आपदी फोर्स भेजे ते इन्हां छड़ा के लै जे, असीं इन्हां दी गड्डी नहीं जाण देणी उन्ना चिर। बस गड्डियां हवा कहिंदे गड्डी जाण नहीं जाणी, जा साडे असीं लाउणी अग, साडे अग निकल गया, एक निकल गया जिहड़ा मेन इन्हां दा, अज कटो परची, अज सारे परचे कटाने एक बार, अज ही मुद्दा पढ़ो ढाणी 125 परचे करके दें। लगी नहीं अग, तो लगनी लगनी है, साडे कोल इलाज नहीं हैगा। बस सोल्यूशन निकालो इसका, फड़ के लाए एक लो, फड़ के लाए परचा जिहड़ा, और जान नहीं जान नहीं पुलिस वाले रुक जाओ एक मिनट। सुन मेरी, 25 मन कण तो ही है, एक किसान की जिसने हैप्पी सीडर पे आई तो उसके पल्ले क्या रहता है, उसका खर्चा नहीं मुड़ा। इकट्ठे करो और बाबे अनाउंसमेंट करो, ओ बाबे अनाउंसमेंट करो नहीं ना। आज कट्टो परचे नहीं।
ऐसा है एक तो ये जो कंबाइन आ रही है ना, ये SMS लगी पीछे जो तूड़ी बनाओ उसको करवाओ। बेरा तो उसका करवाओ ना, फिर पीछे ना कटवाओ उस वाली, तो मिल जाए आराम से। ये आपने लेट लगा ऊपर सिस्टम तूड़ी आ रही भी आ रही है जी, एक ऊपर सीधी चली जाए गेला छानी बनाई जाए। हां हां वही तो, जमींदार आदमी 8 लाख को तो ट्रैक्टर चाहिए। नहीं नहीं वो आ रही है मार्केट में, हमने क्यों लेनी है। तो आपने लेट लगा ऊपर सिस्टम तूड़ी आ रही भी आ रही है जी, एक ऊपर सीधी चाली जाए गेला छानी बनाई जाए। जमींदार आदमी 8 लाख को तो ट्रैक्टर चाहिए। नहीं नहीं वो आ रही है मार्केट में, हमने क्यों लेनी है। तो